हे एवरी वन हाउ यू ऑल डूइंग दिस इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द सेक ऑफ मेडिसिन सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी अपलोडिंग लेक्चर्स ऑफ फिलोसॉफी ऑल्सो वॉट एवर विच एवर टॉपिक यू नीड फॉर फिलोसॉफी फिलोसॉफी लेक्चर मतलब कोई भी टॉपिक पे चाहिए हो तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैम फर्स्ट ओके बिकॉज फिलोसॉफी इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ मोर यू नो टफ टू अंडरस्टैंड एंड फोर्थ ईयर जो है बी एच एम एस का उसमें मेजोरिटी ऑफ पोर्शन हैज़ फिलोसॉफी नो डाउट सेकेंड और थर्ड ईयर में भी है ही बट फोर्थ ईयर में देर इज अ होल पेपर विच इज़ मायाज़म एंड फिलोसॉफी ठीक है पूरा एक पेपर ही अलग रहता है सो so, फिलोसॉफी को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए आई डिड वेन आई वॉज़ इनिशियली इन सेकेंड ईयर बट देन मुझे समझ में आ गया एंड आई गॉट ऑन ट्रैक फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ठीक है तो फ़िलोसॉफी जो है उसको कभी भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है इसके कोई भी वीडियोज़ चाहिए कोई भी टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए यू जस्ट सिंपली कमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन चाहे मायाज़म्स पे चाहिए हो मायाज़म्स पे भी आई एम करेंटली वर्किंग ठीक है उस पर भी uh, वीडियोज़ आएगी केंट का क्या व्यू था या रॉबर्ट सर के क्या व्यूज़ थे एंड ऑल ओके सो आज का अपना टॉपिक है डिफ़्लेक्टेड करंट जो कि हम एच ए रॉबर्ट की फ़िलोसॉफी में से आ, पढ़ेंगे राइट right? सो so अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज फ़िलोसॉफी पे इस तरह के यू नो एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ इन सच इतना अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा ठीक है आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए सो यू शुड सब्सक्राइब ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट तो ये जो चैप्टर है वो हमारे जो एच ए रॉबर्ट सर की फ़िलोसॉफी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर थर्टी फोर है उसमें से है ठीक है चैप्टर नंबर थर्टी फोर में आ, आ, सर ने एच ए रॉबर्ट सर ने वॉट आर द ऑबस्टिकल्स टू क्योर हम क्योर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे वॉट आर द ऑबस्टिकल्स उस बात पे इसको जो है हमारा जो क्योर है उसको वॉट वी कैन से कंपेयर किया है टू द लाइट वेव्स ठीक है अब जैसे लाइट वेव्स है वो कहीं से पास हो रही है एंड अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आता है बीच में कोई इंटरफेरेंस आता है तो उनका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है राइट दे गॉट डिफ्लेक्टेड to a डिफरेंट एंगल राइट तो इन्होंने इसी तरह से जो हमारा Uh, जो जैसे लाइट वेव है तो उसको उन्होंने क्योर uh, से कंपेयर किया तो जैसे हमारा क्योर एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा हो अगर कोई भी उसको ऑब्स्टेकल मिल जाए तो उसका जो है डिफ्लेक्शन हो जाता है ठीक है वो क्योर जो है वो नहीं हो पाता है राइट ही कम्पेयर्स द मेडिसिनल एक्शन विद द लाइट वेव्स इफ लाइट वेव्स मीट सम ऑब्स्टिकल दे गेट डिफ्लेक्टेड एट द एंगल ऑफ इंटरफियरेंस विच इज़ इनअप्रोप्रिएट राइट सेम वे इफ सम टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल्स कम इन द पाथ ऑफ क्योर इट रिफ्लेक्ट्स द मेडिसिनल पावर टू द रोंग डन या डिफ्लेक्ट्स द मेडिसिनल पावर टू द रोंग डन अब जो हमारे एच ए रॉबर्ट सर थे वो एक क्वेश्चन के आंसर की आंसर uh, को ढूँढ रहे थे क्वेश्चन क्या था कि वाई आर अवर रिज़ल्ट नॉट यूनिफॉर्मली सैटिस्फैक्ट्री हमारे रिजल्ट जो है ओवरऑल सेटिसफैक्ट्री क्यों नहीं है राइट वाई डज़ इट हैपन की जो हमको मेडिसिन लग रही है कि हाँ ये तो इंडिकेटेड रेमिडी है वो हमेशा वर्क करे ऐसा क्यों नहीं होता है राइट वाई डजन द सीमिंगली इंडिकेटेड रेमेडी ऑलवेज वर्क एंड देन ही डिस्कस्ड अबाउट दिस डिफ्लेक्टेड करंट राइट एंड यू नो वेन सीमिंगली इंडिकेटेड रेमेडी डजेंट एक्ट द फिजिशियन हैज़ टू इन्वेस्टिगेट कि भाई केस में गड़बड़ क्या चल रही है ठीक है अगर उसको ये जो ऑब्स्टेकल है वो उसकी पकड़ में आ जाता है वो उस ऑबस्टेकल को निकाल के फेंक देता है तो क्योर जो है वो ऑटोमेटिकली होने होने ही वाला है राइट right? सो फाइंडिंग आउट एंड करेक्टिंग सच ऑब्सटिकल्स टू क्योर माई प्रूव क्यूरेटिव इन नीयर फ्यूचर अब एच ए रॉबर्ट इन हिज ऐसे उस एस ए का नाम क्या था द डिफ्लेक्टेड करंट राइट गिव सम हिंट टू द फिजिशियन ऑन वेयर एंड हाउ टू लुक फॉर सच ऑब्स्टिकल्स अब सर ने बता तो दिया कि ठीक है लाइट वेवस को मैंने क्योर से कंपेयर किया है वो डिफ़्लेक्ट हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है हमको ऑब्स्टिकल्स ढूँढने लेकिन एग्जैक्टली exactly ये ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं ठीक है और फिजिशियन उसको किस तरह से ढूँढेगा ठीक है वो भी उन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस किया है राइट right? सो so, वो है नेक्स्ट स्लाइड में हियर इज़ इट ऑब्स्टेकल्स टू क्योर में हमारे पास तीन तरह के ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं या तो पेशेंट की मिस्टेक की वजह से कुछ हुआ हो या फिजिशियन की मिस्टेक की वजह से कुछ हुआ हो या तो फिर हम जो रेमेडी दे रहे हैं उस रेमेडी में कुछ मतलब थोड़ी बहुत सी गड़बड़ हो ठीक है तो हम इस तीन हेडिंग्स के अंदर ऑब्स्टेकल्स टू क्योर को डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज़ द पेशेंट्स साइड सॉरी पेशेंट साइड में क्या होता है पैथोलॉजिकल फर्स्ट इज़ द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ डिजीज़ अब देखो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पे हम क्योर हंड्रेड परसेंट नहीं ला सकते जैसे कि कुछ टाइप की एडवांस्ड पैथोलॉजीज होती हैं इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कार्सिनोमा जो कि एकदम एडवांस्ड स्टेज में है वो मेटासटिसाइज कर चुका है तो हम उस पॉइंट पे ये नहीं बोल सकते कि हम इस डिज़ीज़ को क्योर कर देंगे नो इट हैज़ इन्वेडिड द होल सिस्टम ठीक है अगर हम इस केस को क्योर करने का अटैम्प्ट भी करते ना तो वो अटैम्प्ट फेल जाएगा राइट तो अगर कोई भी मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कैंसर का कि अगर वो मेटासटिसाइज हो चुका है देन दैट्स नॉट आर कप ऑफ टी वो किसी भी किसी के भी बस की बात नहीं उसको क्योर करना इज़ नॉट यू नो इजी थिंग हम सिर्फ उसको पेलिएट कर सकते हैं पेशेंट की जितनी भी बची हुई लाइफ है हम उसको थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं बट वी के नॉट क्योर दोज थिंग ठीक है तो हमें एडवांस्ड पैथोलॉजिकल कंडीशन में कभी भी क्योर करने का ट्राई नहीं करना है ठीक है बिकॉज इफ़ यू गिव थोड़ा सा भी ऊपर नीचे का पोटेंसी दोगे पेशेंट का जो वाइटल फोर्स जो कि अभी इतना रिएक्टिव नहीं है वो अगर स्टिम्यूलेट हो गया उसने अगर बैक फायर कर दिया तो पेशेंट विल बी नो मोर राइट जो उसकी लाइफ है बची कुची वो भी नहीं रहेगी सेकेंड पॉइंट इज द मिकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द बॉडी अभी आ, कोई भी अगर नॉन पैथोलॉजिकल फॉरेन बॉडी है हमारी किसी भी बॉडी के पार्ट में तो आपको उसको रिमूव करना है तो ही क्योर आएगा ठीक है सपोज अगर एक बेबी है उसने कोई आ, जैसे छोटे बच्चे आजकल नहीं वो सिक्का जो होता है सिक्का अगर जो एक रुपये दो रुपये का सिक्का है अगर वो निगल ले और वो अटक जाता है ठीक है तो आप उस टाइम पे डायनामिक मेडिसिन देने नहीं बैठोगे पहले आपको उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करना पड़ेगा राइट right? उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करोगे उसके बाद ही आपको क्योर मिलेगा उसके बाद ही पेशेंट को सांस आएगी ठीक है एट दैट पॉइंट यू कैन नॉट गो फॉर डायनेमिक मेडिकेशंस राइट सो प्रेजेंस ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन बॉडी उसमें क्या था हमें समझ में आ गया राइट सो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ यू नो नॉन पैथोलॉजिकल फॉरन बॉडी इन सम समरीफाइज दे प्रोड्यूस रिफ्लेक्स सिम्टम राइट अभी उस केस में एनी काइंड ऑफ इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडी डजेंट क्योर दिस अनलेस दी ऑब्स्ट्रक्शन इज क्लियर्ड राइट फॉर एग्जाम्पल और भी इसमें एग्जाम्पल्स दिए फॉर एग्जाम्पल परसिस्टेंट ईयर एक कान में दर्द या कुराइजा इन चिल्ड्रन हू हैव यू नो इंसर्टेड सम स्मॉल फॉरन बॉडीज इन टू दियर ईयरस और नोस दैट्स अ थिंग कि जहाँ पर आपको उस ऑबस्ट्रक्शन को क्लियर करना है राइट हियर द मेडिसिन आर एडमिनिस्टर्ड ओनली आफ्टर मैकेनिकली रिमूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द साइड अगर आप इन्होंने रिमूव किए बिना कि you know, मटर के दाने छोटे छोटे बच्चों के नाक में फंस जाते हैं कान में चले जाते हैं आप उसको हटाने के बजाय अगर आप डायनेमिक मेडिसिन दोगे तो लोग आपको पागल समझेंगे ठीक है आप हो भी फिर थर्ड पॉइंट इज द साइकिक ट्रामा इन इमोशनल स्ट्रेस तो इसमें क्या है कि जैसे पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं उसके बाद भी काफ़ी सारी ऐसी साइकोटिक या साइकिक चीज़ें होती है जो हमारी मेडिसिन के एक्शन को अफेक्ट करती है राइट तो द मोस्ट यू नो आजकल के ज़माने में इमोशनल स्ट्रेस और साइकिक यू नो फिज़िकल ये हम बोलते हैं मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो वर्क रिलेटेड हो फैमिली रिलेटेड हो या यू नो एनी काइंड ऑफ पर्सनल रिलेटेड स्ट्रेस ये सारी चीज़ें आजकल की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ठीक है तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ भी हमारे ऑब्स्टेकल टू क्योर में इंक्लूड होती है ठीक है ओवर एंगजाइटी है वरी है कॉन्स्टेंट यू नो फाइनेंशियल स्ट्रेस है टेंशन ऑफ मेंटेनिंग स्पीड इन समंस वर्क ऑल सच थिंग्स आर वेरी कॉमन इन टूडेज इंडस्ट्रियल वर्ल्ड राइट right. और ये जो है दे मे एक्ट एज़ अ डाइवर्जन फॉर द एक्शन ऑफ अवर क्यूरेटिव रेमेडी हैनेमेन सर ने ख़ुद ने ये फैक्ट को एम्फेसाइज किया है कि हमारे हेल्थ के लिए सबसे आ, मतलब डिलीटीरियस चीज़ें सबसे हार्मफुल चीज़ क्या थी कि अनहैप्पी डोमेस्टिक कंडीशन या साइकिक स्ट्रेस राइट और आ, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो सारे पेशेंट्स एक जैसे नहीं होते सब कुछ सारे पेशेंट ऐसा नहीं चाहते अपना सब कुछ रिवील नहीं करना चाहते यू नो दे डोंट थिंक इट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ओपन अप देयर इमोशनल साइड ओपन अप देयर पर्सनल साइड राइट सम पेशेंट डू नॉट विश टू रिवील देयर पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर्स ड्यूरिंग केस टेकिंग ठीक है तब जो भी हमारे पास टोटालिटी आती है वो उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है ठीक है बिकॉज उसमें मेंटल जनरल्स नहीं होते ठीक है तो हमारा ये जो थर्ड पॉइंट है साइकिक ट्रॉमा एंड इमोशनल स्ट्रेस वो क्या बता रहा है कि दैट मे बी एन ऑब्स्टिकल टू क्योर और मेंटल जनरल का क्या इंपॉर्टेंस था द फोर्स्ट फोर्थ वन इज़ द ओवर एन अननेसेसरी यूसेज ऑफ ड्रग्स अब जैसे आजकल की लाइफ में तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमन है कि थोड़ा सा भी हेड हो गया या कहीं भी जॉइंट पेन हो गया या कुछ भी हो गया तो लोगों के घर पर ना आई पड़ी होती है वो आई बी एक उठाते हो ले लेते हैं या तो फिर जैसे किसी पेशेंट को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उनके पास जो है प्रेज़ोल पड़ी होती है उनके पास प्रेज़ोल पड़ी होती है वो ऐसे उठा के ले लेते हैं ठीक है मतलब ये सारी जो है ना सेल्फ मेडिकेशन है ये ओवर एंड अननेसेसरी यूसेज में आ, काउंट होता है राइट कि आपको एक टाइम पे आके पेशेंट को इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है कि जब भी ऐसा कुछ हो सिम्टम शुरुआत में हमने ये मेडिसिन खा लेनी है हमको ये चीज़ नहीं होगी सो दैट इज़ अ ओवर यूसेज दैट इज़ द उसका जो डोज है वो ज़्यादा हो चुका है तो ये भी हमारा ऑब्स्टिकल टू क्योर में इंक्लूड होता है अब कुछ कुछ पेशेंट को ना नींद की दवा की आदत होती है कि उनको बिना दैट सीडेटिव या बिना दैट नींद की गोली उनको नींद नहीं आती है ठीक है नारकोटिक्स है कोई ड्रग्स है कोई भी चीज़ का एडिक्शन है दैट ऑल आर वेरी डिलीटीरियस टू यू नो द यू नो हमारा जो क्योर का पात है उसके लिए ऑब्स्टेकल बन सकता है वो है ना और एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ द मेजर मेजर ऑब्स्टेकल टू क्योर राइट चलो सडेटिव हो गया ब्रोमाइड हो गया नार्कोटिक हो गया एनालिसिक हो गया सी दीज आर सम ऑफ द ड्रग्स दैट आर मिसयूज बाई मैनी पेशेंट इन टूडेज़ वर्ल्ड Right? The patient uses them frequently because they offer some sort of relief from pain. Right? Just say ibuprofen come an example there. Usage of such palliatives what they do is slows down the curative process or retards it altogether. ओके okay, अब यूसेज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट है कुछ यू नो कॉस्मेटिक्स है डिओड्रेंट्स है ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं दे आल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी फॉर एग्जांपल एच ए रॉबर्ट ने एक आ, अपने जो चैप्टर है उसमें ये केस आ, का एग्जांपल दिया है फॉर एग्जांपल ऑफ अ केस ऑफ यू नो परसिस्टेंट कफ ऑफ कॉकस कैक्टाई तो उस वो एक यंग लेडी पेशेंट थी उसको परसिस्टेंट कॉफ था ओके okay. और वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन दिया तो भी वो ठीक नहीं हो रहा था बट द डॉक्टर आर एच ए रॉबर्ट जस्ट इन्वेस्टिगेटेड इट थारोवली एंड उन्होंने क्या पाया कि जो वो लिपस्टिक वो लेडी यूज़ करती थी वो रेगुलरली जब भी क्लिनिक में आती थी शी वॉज ऑलवेज ऑन विद लिपस्टिक तो जब उसको वो लिपस्टिक यूज़ करने से मना किया गया तब उसका कफ जो है वो अपने आप बंद हो गया सो दैट वॉज़ एन अलर्जिक रिस्पॉन्स टू दैट लिपस्टिक राइट तो जैसे ही उन्होंने यह ऑबस्टिकल हटाया उसको वो परसिस्टेंट का ठीक हो गया राइट द फिफ्थ वन इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डाइट अब आजकल की लाइफ में एक और चीज़ बड़ी कॉमन है कि लोगों को सोडा है पेप्सी है थम्सअप है माउंटेन ड्यू है या ऐसे सब सॉफ्ट ड्रिंक्स की आदतें बहुत पड़ चुकी है कॉफ़ी की आदतें बहुत पड़ चुकी है ठीक है तो दैट इज़ नॉट अ थिंग की जो आपको क्योर में हेल्प करेगी ऑफकोर्स वो आपको क्योर में ऑब्स्टेकल लाएगी राइट ओवर यूजेज ऑफ द कॉल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स डिफरेंट वराइटीज ऑफ बेवरेजेज एंड स्टिमुलेंट्स दर केमिकल कंटेंट्स इट मे रिटार्ड द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी राइट सिक्स्थ पॉइंट इज द लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है लोगों का आजकल जो कंप्यूटर वर्क है या टेबल चेयर वाला वर्क है सेडेटिव जो जिंदगी हो चुकी है पीपल डोंट लाइक टू मूव ऐसे पिज्ज़ा खाया और सो गए ऐसे मतलब ये लाइफस्टाइल ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है तो उसकी वजह से भी क्योर नहीं होता यू नीड टू मूव योर बॉडी योर बॉडी नीड सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज राइट सेडेंट्री वर्कर्स जो है दे हार्डली गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्सरसाइज राइट उनको हम थोड़ा सा एडवाइस कर सकते हैं ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि तुम भाई हार्ड कोर जिम ज्वाइन कर लो नो no, हम कुछ थोड़ा बहुत सा माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज तो दे सकते हैं ना उनको राइट सो एज द वाइटलिटी ऑफ द पेशेंट इंप्रूव बाय एक्सरसाइज होम्योपैथिक मेडिसिन डज वंडर्स ठीक है हमने पेशेंट साइड से जितने ऑब्स्टेकल थे वो देख लिए कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो क्या है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है साइकिक ट्रॉमा है ओवर अननेसेसरी यूसेज ऑफ ड्रग्स है डाइट की प्रॉब्लम है फिजिकल एक्सरसाइज है अब हम बात करेंगे कि फिजिशियन के साइड यानी डॉक्टर के साइड से क्या मिस्टेक हो सकती है ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्टिंग सिमिलीमम ऑलोन इज नॉट सफिशेंट अब आपने चूज कर लिया आपको मेडिसिन मिल गई कि हाँ ये मेडिसिन पेशेंट को देनी है लेकिन मेडिसिन देने के बाद भी आपको दस चीज़ें सोचनी होती है ठीक है कि उसका पोटेंसी बराबर है या नहीं उसको कितने डोज में देना है उसका रिपीटिशन करना है नहीं करना है ठीक है तो ये सारी चीज़ों में भी अगर मिस्टेक हो ना तो भले रेमेडी राइट right है लेकिन वो पेशेंट को क्योर नहीं कर पाएगी ठीक है अगर उसको 200 पोटेंसी की ज़रूरत है आप उसको सीधा वन एम दे रहे हो टेन एम दे रहे हो तो वो क्योर नहीं होने वाला वो और एग्रावेट होगा ठीक है The second point is physician himself may get carried away by the patient's narration, right? अभी हमको case taking जैसा हमें कहा जाता है कि एक आर्ट है तो ड्यूरिंग केस टेकिंग केस टेकिंग के दौरान हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पेशेंट जो भी कह रहा है उसमें हमें बह नहीं जाना है ठीक है हमको रैशनली ये सोचना है कि जो भी पेशेंट बोल रहा है वो सही है या नहीं है अपनी अपना जो बोलते हैं तर्क अपने तर्क से उसको वेरीफाई करना है कि क्या ये सही बोल रहा है क्या ये सच में ऐसा सफ़र कर रहा है उसको किस तरह से आप क्रॉस चेक करोगे राइट दैट इज़ द थिंग आपको फिजी जो जो पेशेंट बोल रहा है उस पर पूरा बह नहीं जाना है आपको आजू बाजू इन्वेस्टिगेट करना है उसके साथ में जो भी उसका अटेंडेंट हो चाहे उसकी मदर हो या रिलेटिव हो या फ्रेंड हो आपको उससे क्वेश्चन करना है ठीक है क्योंकि हमारे पास ना कुछ कुछ से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपने सिम्टम को काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं ठीक है वो वो मतलब सिंपथी गेन करना चाहते हैं कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कम बोलना चाहते हैं कुछ कम बोलना पसंद करते हैं तो इन सारे सिचुएशन में हमको सिम्टम्स निकालना आना चाहिए ठीक है तो केस टेकिंग के टाइम पे फिजिशियन को एकदम न्यूट्रल रहना है ही शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन द पेशेंट्स इमोशन आपको इमोशन में इन्वॉल्व नहीं होना इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसेंसिटिवली बैठे रहो उसे ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो या तो उसे ये भी नहीं लगना चाहिए कि फिजिशियन को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यू शुड बी न्यूट्रल ओके ही मस्ट ऑब्जर्व देम इन एन अनप्रेजुडाइज मैनर कोई भी प्रेजुडाइज थॉट आपके दिमाग में हो उसको निकाल दो उसके बाद उस पेशेंट को देखो पेशेंट इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट हिज मोस्ट ट्रबलसम सम सिम्टम जो भी उसको मोस्ट उसका चीफ कंप्लेन होगी ना वो उसको बड़ा चढ़ा के बोलेगा ठीक है सम पेशेंट्स एग्जैजरेट देर सिम्टम्स वेल नेरेटिंग देम टू द फिजिशियन थिंकिंग दैट द फिजिशियन विल प्रिस्क्राइब अ पावरफुल रेमेडी इफ दे डू सो लाइक दिस इज सो हिलेरियस आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ माई ओन आई हैव डेंडरफ एंड आई वेंट टू दिस फिजिशियन एंड आई जस्ट एग्जेजुरेटेड सो मच लाइक सो मच एग्जेजुरेट तो नहीं किया लेकिन आई सेट कि आई हैव सो मच ऑफ हेयर फॉल आई हैव सो मच ऑफ डैंड्रव आई हैव टू आई हैव दिस एंड आई हैव दैट एंड देन वेन आई केम बैक होम आई रियलाइज्ड ओके आई थिंक आई हैव थोड़ा बहुत सा एग्जैजरेट करके बोल दिया बट दैट वॉज नॉट द केस इतना ज़्यादा भी नहीं था प्रॉब्लम जो मैंने उसको इतना एग्जैजरेट करके बोल दिया ठीक है सो मुझे पता है कि एग्जैजरेशन होता है एंड ऑल तो भी आई 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 डिड दैट ओके अब सामने वाला तो कॉमन मैन है ले मैन है उसको तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं तो वो कितना ओवर एग्जैजरेट करेगा राइट यस सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिस्क्राइबिंग सोलली ऑन द बेसिस ऑफ की नोट सिम्टम अभी हम जो है एलेंस की नोट पढ़ पढ़ के इतने बिगड़ चुके हैं कि हमको एक आधे दो की नोट सिम्टम मिल जाए हम सिर्फ उसके बेसिस पे ही पेशेंट को मेडिसिन दे देते हैं लेकिन हमको उसका फिजिकल जनरल उसका मेंटल जनरल और भी काफ़ी सारी दस चीज़ें देखनी पड़ती है मेडिसिन देने से पहले आप सिर्फ़ पाँच की नोट के बेसिस पर मेडिसिन नहीं दे सकते हो ठीक है इट ऑफ्टन रिमूव्स ओनली द ट्रबलिंग सिम्टम वो क्या करेगा अगर आप इस बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन देते हो ना तो पेशेंट का जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सिम्टम जो है ना वही रिमूव होगा बट पेशेंट एज अ होल ठीक नहीं होने वाला बिकॉज आपने किन और प्रिस्क्रिप्शन दिया है राइट बट दिस मे एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल टू क्योर एज की प्रिस्क्रिप्शन चेंज द टोटालिटी ऑफ द पेशेंट अभी इस केस में क्या होता है पता है कि आपने उस पेशेंट को जो मोस्ट ट्रबल सम सिम्टम थे वो तो हटा दिए तो पेशेंट का जो ओवरऑल टोटालिटी था वो तो बिगड़ गई वो तो चेंज हो गई राइट right? तो जब कोई ओरिजिनल टोटालिटी हैज़ बीन छेड़छाड़ हुई हो उससे तो सेलेक्टिंग द मोस्ट सिमिलिमम बिकम्स द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क राइट अब हमने फिजिशियन के साइड से भी बात कर ली कि सिर्फ सिमिलिमम ढूंढने से कुछ नहीं होता हमको पोटेंसी डोज देखना पड़ता है फिजिशियन को इमोशंस में नहीं बह जाना है ठीक है प्रिस्क्राइबिंग सोलली ऑन द बेसिस ऑफ की नोट ये भी हमें नहीं करना है अब रेमेडियल साइड से क्या ऑब्स्टेकल्स है रेमेडी मतलब जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो बेचारी बैठे बैठे कोई मिस्टेक नहीं करेगी बट उसको प्रिपेयर करने में उसकी प्रूविंग में कोई मिस्टेक हुई हो तब हम उसे कहते हैं कि दैट इज़ एन ऑब्स्टेकल फ्रॉम रेमेडियल साइड बिकॉज वो तो बेजान सी चीज़ है वो थोड़ी कोई मिस्टेक करेगी उसको बनाने वाला उसको प्रूव करने वाला कोई मिस्टेक कर सकता है सो द फर्स्ट वन इज़ द लैक ऑफ जेन्यून मेडिसिन जेन्यून मेडिसिन से मेरा क्या मतलब है कि उसकी क्वालिटी जो है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए राइट क्वालिटी इन द सेंस यानी कि फिजिशियन ने जिस तरह से कहा है क्या फार्मासिस्ट ने उसको उस तरह से डिस्पेंस किया है उसने डिस्पेंसिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं की है क्या उसने स्टैंडर्डाइजेशन के सारे रूल्स फॉलो किए हैं ठीक है ये सारी चीज़ें होती है विच विच इज़ इंक्लूडेड इन द लैक ऑफ जेन्यून मेडिसिन द इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टिकल रेस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन किस पे डिपेंड करता है वेदर द दार्मास्लाइड द जेन्यून मेडिसिन और नॉट वेदर द फार्मासिस्ट हेज़ आइडेंटिफाइड द सोर्स ऑफ मेडिसिन प्रॉपरली और नॉट ठीक है जो मेडिसिन उसका जो सोर्स है जहाँ से वो आई है क्या उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया है उस फार्मासस्ट ने वेदर द मेडिसिन हैज़ बीन डायनमाइज्ड अकॉर्डिंग टू हैनामेनियन रूल्स और नॉट ठीक है उसका जो डायनमाइजेशन है हमारे हैनमेन सर ने जो रूल्स दिए थे क्या उसके हिसाब से हुआ है एनी थिंग रॉन्ग इन अबाउ स्टेप्स मे क्रिएट एन ऑबस्टिकल टू क्योर इन सच कंडीशन द फिजिशियंस पेन टेकिंग वर्क ड्यूरिंग यू नो इट बिकम्स फ्यूटाइल जो फिजिशियन ने इतनी सारी मेहनत की उसने रेमेडी ढूंढी उसने पोटेंसी बराबर लगाई उसने डोज बताया उसने रिपीटेशन बताया सब कुछ यहाँ पे फेल हो गया बिकॉज फार्मासिस्ट ने वो बराबर से दिया ही नहीं उसको डिस्पेंसी नहीं करना आया तो सब कुछ बेचारे फिजिशियन की मेहनत वो पानी में चली गई ओके द सेकेंड पॉइंट एंड द लास्ट वन इज द पुअर ड्रग प्रूविंग अब जैसे ड्रग uh, प्रूविंग अगर सही से नहीं हुई हो तो वो जो सामने मेडिसिन है वो मेडिसिन एग्जैक्टली exactly क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है ये हम नहीं जान पाएंगे अगर वो हमें सही से नहीं पता होगा तो अगर हम वो मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हैं तो उस पेशेंट में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं हमको पता ही नहीं चलेगा उस पेशेंट में कब प्रूविंग स्टार्ट होगी हमें ये भी नहीं पता चलेगा राइट सो ड्रग प्रूविंग जो है ना मटीरिया मेडिका का सबसे वाइटल पोर्शन है जो आ, एकदम ऐसा एस, पर्सन हमने उठाना चाहिए ड्रग प्रूविंग के लिए जो एकदम डेडिकेटेड हो सर्विस माइंडेड हो उसके हम उसके ऊपर हम भरोसा कर सकें एकदम ऑनेस्ट हो इंटेलिजेंट और डेलीकेट पर्सन और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए वो ठीक है ऐसा नहीं कि झूठ मूठ के सिम्टम्स आके लिख दिए या कुछ सिम्टम्स है जो उसने लिखे ही नहीं या जो भूल गया ही शुड नो कि वो क्या कर रहा है ही इज़ यू नो प्रूविंग अ ड्रग ऑन हिमसेल्फ जो कि मटीरिया मेडिका में ऐड होने वाली है ठीक है तो उसको एकदम समझदार होना चाहिए अगर ड्रग प्रूविंग सही से नहीं हुई हो ना तो प्रॉब्लम होती है ओके वैल्यू ऑफ सिम्टम मस्ट ऑल्सो भी वैल्यूएटेड इफ़ द प्रूविंग ऑफ रेमडी इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली अचीविंग क्योर बिकम्स इम्पॉसिबल तो ये हमने ऑब्स्टेकल्स टू क्योर जो है वो सारे देख लिए पेशेंट साइड से क्या है फिजिशियन साइड से क्या है और रेमिडियल साइड से क्या है राइट right? तो यहाँ पे अपना जो फ़िलोसॉफी का फर्स्ट लेक्चर है आ, जो मैं बनाए बना रही हूँ तो वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड अगर फ़िलोसॉफी के डिफरेंट और भी दूसरे टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ 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 प्लीज, कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर दो कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ओके और अगर और भी आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए सो फर्स्ट यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल और अगर इसकी नोट्स चाहिए नोट्स परचेज करनी है तो आप मुझे कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम में क्विज़ uh, होती है टॉपिक वाइज़ क्विज़ होती है ए रिलेटेड क्विज होती है आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव पोस्ट्स हैं इवन मीम्स हैं वो भी पोस्ट हो रहे हैं सो so आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एंड अगर जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप पर भी नोट्स uh, के लिए मांग सकता है कि भाई आई नीड टू बाई दीज नोट्स एंड कुछ भी नहीं है तो यू कैन सिंपली जस्ट ई मेल मी ओके आई विल रिवर्ट यू बैक ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब